Yesterday we were doing the formula and you have written two valency. Plus 1 plus 2 and minus 2 minus 1. ठीक है, अब वैसे ही फॉर्मूला दो दिन प्रैक्टिस करो एंड उसके बाद प्लस 3 एंड माइनस 3 वाले की भी साथ में करके ठीक है। मेक द फॉर्मूला ऑफ एरियम क्लोराइड, एरियम क्लोराइड अरे अब बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ठीक। इसके बाद बेटे आपके फॉर्मूला आपने करनी है मोलर मास, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो ही कंपाउंड का मोलर मास आप निकाल पाओगे, क्योंकि एग्जाम में सीधा जिस पेपर में आएगा बेरियम क्लोराइड आपको उसका ओरिजिनल फॉर्मूला निकालना आएगा, मास निकालना आएगा। आपको फॉर्मूला पता होगा तभी मास निकालना ठीक है। राइट डाउन कैल्शियम ऑक्साइड और ब्रैकेट में लिखो क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ खुद, कल किए ना क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नेम होता है क्विक लाइम, एग्जाम में क्विक लाइम लिखा आता है ना कि कैल्शियम ऑक्साइड, यू शुड नो द अदर नेम क्विक लाइम। अब बनाओ कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला बन रहा है, Ca2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इट विल बी कैंसल्ड आउट फॉर्मिंग क्विक लाइम। नाउ राइट डाउन सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट डाउन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रैकेट में लिखो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ हरी आप। हाँ अलग अलग कल करवाए हैं मैंने बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट डाउन द फॉर्मूला। This is N positive, this is HCO3 negative, it will cancel out forming sodium bicarbonate, sodium bicarbonate. Now write down the next, copper sulfate, if the valency is not given then copper is 2 positive only, okay, the state which is stable is 2 positive, okay, cupric sulfate ko hi copper sulfate kehte hain. Gurbaz stand up, Kushan stand up from there, stand up, go at the last. राइट डाउन कॉपर सल्फेट की ब्रैकेट में लिखो ब्लू विट्रोल, राइट डाउन ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल दैट इज फॉर कॉपर सल्फेट। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट, फॉर्मूला आपको खुद बनाना आना चाहिए, कॉपर इज 2 पॉजिटिव सल्फेट इज 2 नेगेटिव, इट विल कैंसल आउट एंड फॉर्मिंग कॉपर सल्फेट। नो राइट डाउन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
वन होती है स्टेबल नहीं होती, जब अकेला कॉपर लिखा होगा तो इट इज टू पॉजिटिव ओनली। राइट डाउन नेक्स्ट, आपने आंसर मुझे नहीं बताने, जस्ट लिख के रख लेना। राइट डाउन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में लिखो स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, और इसे लाइम वाटर भी कहते हैं, लाइम वाटर। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हो बेटे, लिसन टू मी केयरफुली, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। जैसे चूना जो होता है ना, उसको पानी में डालते हो तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो होती है सस्पेंशन जिसको दीवारों पे लगाया जाता है। समझ आ गई? अगर जैसे छाछ में से ऊपर पानी रह जाता है और नीचे वो व्हाइट व्हाइट कलर का सस्पेंशन रह जाती है जब आप बनाते हो, तो जब आप ऊपर का पानी रिमूव कर देते हो वो होती है लाइम वाटर, और जो नीचे सस्पेंशन बनी होती है वो होती है स्लेक लाइम। तो दोनों का फॉर्मूला कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड ही होता है। अगर पेपर में स्लेक लाइम आ जाए तो इसका मतलब आपने फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगर क्विक लाइम आ जाए तो फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड का। समझ आ रही है? अगर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ही आएगा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हाट द पॉइंट? नाउ राइट डाउन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने बोलना नहीं है, आई विल राइट ऑन द बोर्ड, जस्ट मैच इट। CaO में, CaO में हाइड्रोक्साइड बन तो गया। यू विल डू इन क्लास 10। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस शुड बी इन द स्क्वेयर ब्रैकेट एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर टू सेपरेट एलिमेंट्स। नाउ राइट डाउन बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, हरी अप, बेरियम सल्फेट, इसको बस बेरियम सल्फेट ही बोलोगे। इट इज BaSO4, that is barium is two positive, sulfate is two negative, it will cancel out forming barium sulfate. Write down silver chloride, silver chloride, Ag, Ag is silver, then write chloride, silver chloride. Gurupal, write down, practice makes a man perfect. Ag1 positive hai. Now AgCl, the answer will be AgCl. Ag is one positive, Cl is one negative. Then write down silver bromide, silver bromide, hurry up, bromide, silver bromide, silver bromide, silver bromide, silver bromide. Write down silver nitrate, silver nitrate, nitrate,
नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इट इज AgNO3. नाउ राइट डाउन अकेला होता है तो डी वाला होता है, वो होता है नाइट्राइड, ठीक है. अगर NO2 लग जाता है तो नाइट्राइट, टी वाला. अगर 3 लग जाता है तो नाइट्रेट. -1 सबकी है, नाइट्राइड है, नाइट्राइड है या नाइट्रेट है. नाइट्राइड अकेला नाइट्रोजन जब होता है. हाँ उसकी 3 है, उसकी तो 3 है, 3 नेगेटिव. नेक्स्ट इज राइट डाउन. हाँ नाइट्राइट टी वाला, नाइट्रेट थ्री वाला. लिखता नहीं, कल लिखा नहीं, फिर लिखा करो, फिर बस पढ़ा करो. 3 हो जाएगी वो भी करवा, अभी दोबारा करेंगे बस. नेक्स्ट राइट डाउन मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट. जिंक लिखा था कल आपने, जिंक 2 पॉजिटिव के नीचे लिखो. चलो 2 पॉजिटिव के नीचे जिंक भी लिखो, 2 पॉजिटिव के नीचे जिंक भी लिखो. जिंक अभी मैंने कौन सा बोला, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जेड एन जिंक. मैग्नीशियम कार्बोनेट करो पहले, MgCO. नाउ राइट डाउन जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड. अपना सेल्फ दिमाग घुमाना पड़ेगा बेटे, दिस इज केमिस्ट्री. अभी तो मैंने इतने करवाए पेपर में, पता नहीं कौन सा होगा. जिंक क्लोराइड ZnCl2. राइट डाउन जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड. जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट 1+1 में और ऐड करो बेटे, +1 में. वेरी इंपॉर्टेंट अमोनियम, दिस इज अमोनियम, +1 में ऐड करो अमोनियम, ऐड इन द +1 अमोनियम. कल लिखे थे ना +1 वाले, ऐड देयर अमोनियम. Now write down ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide. Ammonium. Ammonium. Hydroxide. Write down ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड. नाउ राइट डाउन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट, दिस इज होल ट्वाइस बिकॉज अमोनियम इज फॉर्म ऑफ 2 एलिमेंट, दैट इज वाई
NH4 whole twice, ammonium sulfate. Now write down ammonium carbonate. क्योंकि अमोनियम बेटे इट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. कोई रेडिकल जब टू एलिमेंट्स का बना होता है और उसके आगे 2, 3, 4 आ रहा होता है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना पड़ता है. अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम कार्बोनेट भी हो गया. दिस इज अमोनियम कार्बोनेट. ठीक है, कार्बोनेट की क्या है, 2 नेगेटिव, अमोनियम की 1 पॉजिटिव. तो दिस इज अमोनियम कार्बोनेट. तो राइट डाउन अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम बाई कार्बोनेट. अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम बाई कार्बोनेट. This is ammonium. This is hydrogen carbonate. Now, अच्छा plus two के नीचे लिखो lead, Pb. Plus two के नीचे लिखो lead, lead के symbol होता है Pb. Pb is for lead. बेटे क्योंकि इसमें तो कोई स्क्वायर देने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 नहीं है. जब ये नेगेटिव 1 है तो यहाँ पे आके 1 नहीं होगा, यहाँ पे प्लस 2 के नीचे, प्लस 2 के नीचे लिखो लेड पीबी. पीबी पीबी सिंबल फॉर लेड. राइट डाउन अंडर प्लस 2 लेड. नाउ राइट डाउन लेड क्लोराइड. क्लोराइड 2, अभी बोला तो है 2 के नीचे लिखो लेड क्लोराइड. तो क्या बनेगा, PbCl2. क्यों, चल लिख सोडियम क्लोराइड. राइट डाउन सोडियम क्लोराइड नहीं आएगा 2, फिर राइट डाउन अमोनियम क्लोराइड 2 नहीं आएगा, लिथियम क्लोराइड लिखो 2 नहीं आएगा. नेक्स्ट राइट डाउन बेटे सोडियम सल्फाइड. देखो ये सल्फाइड है, अकेला आता है तो डी आता है, ये सल्फाइड है. ये जब 3 आ जाता है यहाँ पे ये बन जाता है सल्फाइट, टी वाला. ठीक है, जब एक और आ जाएगा तो बन जाएगा सल्फेट. ठीक है, ये डी, ये टी, ये 8, सल्फाइड सल्फाइट सल्फेट. अब मैंने क्या बोला है, सोडियम सल्फाइड डी वाला, डी वाला -1, सोडियम सोडियम सल्फाइड. हाँ पहले केटायन आता है, केटायन आता है फिर. नेक्स्ट राइट डाउन लिथियम नाइट्रेट. लिथियम नाइट्रेट, नाइट्रेट नाइट्रेट. हरी अब राइट डाउन लिथियम नाइट्रेट. लिथियम नाइट्रेट लिथियम नाइट्रेट. अच्छा अब आप जरा थोड़े प्लस 2 प्लस 1 वाले हो गए प्रैक्टिस, राइट डाउन प्लस 3 वाले. हरी अब Thank you.
प्लस थ्री राइट बोरोन राइट डाउन बोरोन एल्युमिनियम वो अमोनियम है ये एल्युमिनियम है NH4 is ammonium, Al is aluminium, okay? Then ferric, Fe2 positive में ferrous है, Fe3 positive, या तो exam में iron, ऐसे लिखा होता है, iron 4, iron 2, तो ये Fe2 positive है, या लिखेंगे ferrous, ठीक है? अगर आयरन की ब्रैकेट में थ्री लिखा हो तो ये फेरिक दिस इज फेरिक ठीक है दिस इज फेरिक दिस इज फेरस ओके हाँ ये टू पॉजिटिव है डी ब्लॉक एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यू विल डू इन क्लास 11 देन माइनस थ्री वाले लिखो इंपॉर्टेंट वाले पहले माइनस थ्री एन नाइट्रोजन नाइट्राइड पी फॉस्फाइड तीन करो अभी बहुत है आने को तो मैं बहुत फॉस्फाइड नाउ राइट डाउन फॉस्फेट फॉस्फेट चलो अब हम फॉर्मूला बनाना शुरू कर रहे हैं राइट डाउन एल्युमिनियम सल्फेट अभी इतने ही लिखो एल्युमिनियम एल्युमिनियम सल्फेट सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट एट एसओ फोर दिस इज एल्युमिनियम का भी किया आपने एल्युमिनियम इज थ्री पॉजिटिव एसओ फोर इज टू नेगेटिव This two will come here. This three will go here. Now it will form aluminium 2SO4 whole. That is aluminium sulfate. Now write down aluminium hydroxide. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हरी अप डू योर आई विल राइट ऑन द बोर्ड जस्ट डू इट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है एल्युमिनियम करने दो बच्चों को एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैंने पेन पकड़ के नहीं लिखना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड राइट डाउन एल्युमिनियम फॉस्फेट राइट डाउन एल्युमिनियम फॉस्फेट एल्युमिनियम फॉस्फेट एट एल्युमिनियम फॉस्फेट AlPO4 इट विल बी AlPO4 नाउ राइट डाउन फेरिक क्लोराइड फेरिक क्लोराइड मुझे नहीं पता लिखो देखो आता ही नहीं मुझे बिल्कुल सही अब आ गया मुझे भी याद FeCl3 फेरिक
ठीक है, सो इट विल बी FeCl3. नाउ राइट डाउन हर्षित, बातों में कुछ नहीं पड़ा, गल्ला नाल गल्ला मिलन गया, करनी नाल करनी, समझ आई? करम नाल करम आ गई. नाउ राइट डाउन आयरन फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ये ही फेरिक, इसे फेरिक कहते हैं, एफ ई फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट. एफ ई फोर का बेटे, क्लासेस आर गोइंग ऑन, यू आर नॉट ओनली द स्टडिंग स्टूडेंट्स. सो फेरिक, फेरिक सल्फेट, दिस इज फेरिक सल्फेट. नाउ राइट डाउन फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, राइट डाउन फेरस ऑक्साइड ऑल्सो, एफ ई टू पॉजिटिव, फेरिक एफ ई थ्री पॉजिटिव, ऑक्साइड टू नेगेटिव, सो इट विल बी देयर कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड, नेक्स्ट राइट डाउन सोडियम नाइट्राइड, क्वाइट फेरस, एफ ई टू पॉजिटिव, सोडियम नाइट्राइड, आई डी ई, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम, मैंने तेरा हाथ पकड़ के नहीं करवाना, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, no voice that side there and Harshit, मैग्नीशियम कौन सा होता है MG? Write down अमोनियम फॉस्फेट,
अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, अमोनियम एनएच फोर, फॉस्फेट इज पी ओ फोर. सी बेटे लिसन टू मी केयरफुली नाउ. आफ्टर दीज टू लेक्चर्स फर्स्ट एक आपको होमवर्क मिला हुआ है. मंडे तक आपने एक मिस्ट्री की नोटबुक सबमिट करनी है. वी शुड हैव वैलेंसीज टेबल एंड विच शुड हैव द टेबल वी हैव डन इन द क्लास.